नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गोपाल सोनिका एंड यू आर वॉचिंग कॉर्पोरेट टॉक्स। फ्रेंड्स, मैं आप लोग के साथ आज एक फिर एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं डिस्कस करूँगा अपने व्यूज़ ऑन द टॉपिक ऑफ कॉन्फिडेंस। व्हाट इज़ द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस एंड सो ऑन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले कॉन्फिडेंस के बारे में अगर मैं कहूँ तो मुझे बहुत सारे दोस्तों की क्वेरीज आती है। Some are not confident about studies, some are not confident about their work in the job, some are not confident in their day-to-day life, as in some are not confident in public speaking, some say that मुझे लोगों से बात करने में fear लगता है। मतलब लोगों को अलग अलग तरीके के कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम्स हैं। तो ये कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम क्यों आती है एंड इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि कॉन्फिडेंस जो है वो आपको खुद से बिल्डअप करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस इज समथिंग विच कम्स वेन यू ट्रस्ट योर ओन पोटेंशियल। सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपने जो सीखा है, आप जो कर रहे हो, आपका जो वर्क है उस पर आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि यार मैं ये कर रहा हूँ तो मैंने सीख करके किया है। एवरी टाइम इफ़ यू वर्क विथ सेल्फ डाउट तो आपको कभी भी किसी भी चीज़ में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपको सेल्फ डाउट वाली फीलिंग हटानी पड़ेगी। बट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट थिंक दैट वॉट एवर आई एम डूइंग इज़ राइट, आई एम द बेस्ट, आई एम द किंग। यू कैन नॉट डू दैट, दैट बिकम्स एरोगेंस। आपको कॉन्फिडेंस के साथ साथ ह्यूमिलिटी भी इंपॉर्टेंट है। आपको ये समझना पड़ेगा कि यू नो समथिंग दैट इज़ परफेक्टली फाइन, बट मे बी सम अदर पर्सन कैन नो समथिंग बेटर देन यू और कैन नो समथिंग डिफरेंट देन यू। सो ऑलवेज बी अडेप्टेबल टू लर्न फ्रॉम अदर्स, टू डिस्कस विथ अदर्स। इट मे बी सीनियर्स और सबॉर्डिनेट्स और कलीग्स और पीयर्स, बट ऑलवेज बी अडेप्टेबल टू न्यू लर्निंग्स। नेवर थिंक दैट यार मुझे पता है, मतलब ये सब कुछ है, वैसा नहीं है। लाइफ इज़ द वर्ल्ड इज़ नॉट सो स्मॉल कि आप जो जानते हो वही काफ़ी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से ए फॉर एप्पल एंड समवन एल्स से ए फॉर एरोप्लेन, नाइदर आई एम रॉन्ग नॉर ही इज़ रॉन्ग। बट इफ़ आई ऑलवेज फील दैट नो आई एम राइट बिकॉज ए फॉर एप्पल ही हमें सिखाया गया है एंड वो बंदा सोचता है कि ए फॉर एरोप्लेन भी ए फॉर एरोप्लेन होता है तो मैं ही राइट हूँ, तो वैसे नहीं होता। मैं भी राइट हूँ, वो भी राइट है। तो ऑलवेज बी अडेप्टेबल टू न्यू लर्निंग्स। थर्ड थिंग, कॉन्फिडेंस आता है इफ़ यू हैव अ नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग, अगर आपको स्टेज फियर है, आपको उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट प्रेजेंटिंग और स्पीकिंग फ्रॉम द स्टेज, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप जिस टॉपिक के ऊपर में डिस्कशन करने वाले हो स्टेज पे, वहाँ पे आपको उस टॉपिक के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, थोरो नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट आप वहाँ पे चीज़ों को मिस आउट ना कर जाओ, भूल ना जाओ और आप काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे नर्वस ना हो जाओ। जैसे ही आप वहाँ पे चीज़ें भूलोगे, हल्की सी गड़बड़ होगी, आप वहाँ पे नर्वस हो जाओगे, आपका कॉन्फिडेंस ब्रेक डाउन हो जाएगा। सो नेवर मिस दिस पार्ट। ऑलवेज have the knowledge of proper knowledge of the subject so that you can present well. Second important thing, कि आप public speaking कर रहे हो तो आपको public speaking की भी knowledge होनी चाहिए कि public speaking किस तरीके से करते हैं, क्या etiquettes है। For example, basic etiquettes, कि आपका dress code क्या है, आप जिस meeting में जा रहे हो वहाँ का dress code क्या है, आप किस तरीके से, हम लोग अगर जब हम लोग माइक में बोलते हैं तो माइक पकड़ने का क्या तरीका है, किस तरीके से, कितने डिस्टेंस से बोलना चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो द सेकेंड, यहाँ पे थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा कि आप जिस टॉपिक या जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड बात कर रहे हो और जो बात करने वाले हो उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट देन ओनली यू विल फील कॉन्फिडेंट। अनदर थिंग, ट्राई टू बी द परफेक्ट इंस्टेड ऑफ बींग द बेस्ट। अगर आप ये सोचोगे कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ, मैं ही सबसे अच्छा बनूंगा, तो आप लाइफ में कॉन्फिडेंट नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक कॉम्पिटिटर बन के रह जाओगे दूसरों के। इंस्टेड ट्राई टू बी द परफेक्ट। परफेक्शन कैसे आएगी, जब आप अपने आप के साथ कम्पीट करते हो। थिंक यार मैं कल ये चीज़ इस तरीके से कर रहा था तो आज मैं इसको बेटर कैसे कर सकता हूँ, एंड नेक्स्ट डे थिंक यार आज कैसे बेटर कर सकता हूँ। सो ट्राई टू इम्प्रोवाइज योर सेल्फ, इम्प्रोवाइज योर वर्क, कम्पीट विथ योर सेल्फ, देन यू विल बिकम परफेक्ट इंस्टेड ऑफ बींग द बेस्ट। सो ये गलती कभी भी ना करें कि आप अपने आप को बेस्ट समझने की, बेस्ट मानने की या बेस्ट प्रूफ करने की कोशिश करें, तभी आप लाइफ में कॉन्फिडेंट बन के काम कर पाओगे। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज बी हम्बल एंड नेवर थिंक अदर्स आर इन्फीरियर। सी इफ यू आर अ बॉस, नेवर थिंक यार ये इम्प्लॉय तो मेरे से लोअर लेवल का है, मैं इससे क्यों सीखूँ, मैं इसके साथ इससे क्वेश्चन क्यों करूँ, मैं इससे क्यों पूछूँ।
मैं ज़्यादा जानता हूँ, आई एम हिज सीनियर सो आई नो बेटर, दैट इज़ नॉट द वे द लाइफ वर्क्स। आपकी हो सकता है सबॉर्डिनेट को आपसे किसी एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में आपसे डिफरेंट जानते हो, आपसे ज़्यादा जानते हो, उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट हो सकता है, तो उनसे सीखने की कोशिश करो, देन ओनली यू विल फील द कॉन्फिडेंस एंड आपकी आपका इंटरनल ग्रोथ भी होगा। तो जैसे जैसे ग्रोथ आती जाएगी वैसे वैसे कॉन्फिडेंस आता जाएगा। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कॉन्फिडेंस बिल्ड करना इज नॉट अ जोक कि आप एक बार में उसको तुरंत कर लोगे, इट्स नॉट अ शॉर्ट टाइम गेम, इट बिल्ड्स, इट टेक्स टाइम, इट बिल्ड्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, सो गिव इट टाइम, ट्रस्ट द प्रोसेस किस तरीके से होता है, कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, चीज़ों को प्रैक्टिस करो। अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टूडेंट हो, आपको किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। अगर आप किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं हो कि फॉर एग्जाम्पल मुझसे ये चैप्टर नहीं बन रहा, इसके सम्स नहीं बनते, तो उसके सम्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, दोस्तों के साथ डिस्कशन करो, दोस्तों से जानो कि यार तू होता तो तू इसको कैसे करता। तो आपको उससे जब प्रैक्टिस के थ्रू आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यू विल फील बेटर, यू विल गेट अ गुड फीलिंग कि यार अब मैं कर सकता हूँ। अगेन ऑलवेज बी हम्बल, आप अगर सीख जाओ तो ऐसा नहीं कि यार मैं तो सीख गया मतलब आई एम दी बेस्ट, ऐसा नहीं होता। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए ये कुछ कुछ चीज़ें थी जो मैंने ओवर अ पीरियड अपने लाइफ में इंप्लीमेंट किया फ्रॉम 2015 टू 2021 एंड धीरे धीरे करके मैंने सीखा है, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो डेफिनेटली शेयर विथ अदर्स। आई होप दिस वीडियो इज़ ऑफ सम हेल्प टू एवरीवन। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे अपडेटेड, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। एंड आपको किसी भी तरीके की और लाइक वीडियो वगैरह की ज़रूरत पड़े, मोटिवेशनल वीडियो, स्ट्रेस रिलेटेड, डिप्रेशन रिलेटेड, हैप्पीनेस एंड ऑल रिलेटेड, यू कैन ऑलवेज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू कवर दैट टॉपिक इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।